कल्याण परमे बोलता बदले संगतन संगतन के पास का एक तेरा है करे जाले बस कल सिराज उद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का 625वां जश्न विलादत ये मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक और हालात को मद्देनज़र रख के बहुत मुख्तसर और बहुत कम पब्लिक में मनाया जा रहा है। हर साल तो बहुत बड़ा जुलूस और बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता था, लेकिन इस साल बस थोड़े मुख्तसर से प्रोग्राम कर दिए हैं और बहुत सादगी से मनाया गया है। और कोरोना की गाइडलाइन के देखते हुए आप अपने हजरत सैयद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के चाहने वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं हजरत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घर पर रहकर फातिहा दुरूद और सलाम पेश करें, ज़्यादा इकट्ठा न हो और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, बेशक थोड़ा कम हुआ है लेकिन वो मौजूद है, तो एहतियात बरतना बहुत लाजमी है। मेरा नाम सुभाष मियां चिश्ती, शाह आलम दरगाह खादिम खास, शाह आलम अहमदाबाद। पिछले दो साल से जो देखा जाए तो इस तरीके से पहले जो धूमधाम से उर्स मनाया जाता था, यहाँ पर सालगिरह का मौका नहीं मनाया जा रहा, इस बार मनाया जा रहा है सादगी के साथ, आप इस पर कैसा महसूस कर रहे हैं? 625वीं सालगिरह आपकी विलादत है, पाँच वर्षों से यहाँ पर
हाथी पे घोड़ों पे चादर आती थी। फिर जब से लॉकडाउन ये कोरोना बीमारी आई, गए साल तो बिल्कुल मौकूफ ही रखा था, इस साल तो 50-100 आदमी को लेके दरबार में फूल चादर और नियाज होगी और दुआ होगी कि जैसे एक कोरोना की एक लहर चली, दूसरी चली, अभी ऐसे सुनने में आता तीसरी लहर भी चलेगी। हम सालम सरकार चल रहे हैं, मेरे सज्जाद नसीम साहब, बाबा साहब, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, दुआ करेंगे आज सालम सरकार में कि तीसरी लहर ना चले और कोरोना को अल्लाह ताला जल्दी जल्द नक्श को नाबूद करे और जैसा हमारा गुजरात, जैसा हमारा हिंदुस्तान था, सब वापस हो जाए।